Hey everyone, once again welcome to my channel. In my previous tutorial, I had told you about CP scheduling, scheduler, dispatcher and much more. So I suggest you to watch that video first and link is in the description, right? Anyways, today we are going to discuss FCFSA scheduling algorithm with an example. I'll try to clear doubts about waiting time and turnaround time. So watch this video till then. Let's start. तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम यूजिंग FCFS स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम. FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड बिलीव मी दिस इज द सिंपलेस्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम सिंपलेस्ट. फाइन. सो एज द नेम एम्प्लाइज FCFS, तो इसमें क्या होगा, जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आएंगे उसी ऑर्डर में उनका एग्जीक्यूशन होगा. ठीक है, ये तो आपको थ्योरी बता रही हूँ, जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो आपको पता चलेगा किस तरह से FCFS वर्क करता है. राइट, तो क्या होगा, जिस तरह से जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आएंगे रेडी क्यू में, तो उसी ऑर्डर में इनका एग्जीक्यूशन होता है. ठीक है, जैसे फर्स्ट P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चलना है, सेकंड P2, थर्ड P3 एंड P4, ये फोर प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू में आए हुए, तो सबसे पहले P1 का एग्जीक्यूशन होगा अगर P1 सबसे पहले आया, देन P1 का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद P2 का टर्न आएगा, देन P3 का, देन P4 का. तो जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आते हैं उसी ऑर्डर में इनका एग्जीक्यूशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी क्लास में और आपको नोटबुक करेक्शन करानी होती है, तो जब स्कूल में होते थे तो अगर लाइन में या फिर हम लाइन में लगे हुए, ठीक है, तो जो पहले खड़ा हुआ है उसकी नोटबुक पहले चेक होगी, जो नेक्स्ट है उसकी उसके बाद में, उसके बाद नेक्स्ट की. ठीक है, इस तरह से चलता है. ऐसे ही जैसे बैंक वगैरह में भी होता है, क्यू होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जाएगा उसका ही काम पहले होगा. और आपको लास्ट वीडियो में बताया था FCFS नॉन प्रीएम्प्टिव होता है. ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो बताई गई है. इसे स्टार्ट करते हैं कैसे करना है. तो सबसे पहले आपको इसका गैंट चार्ट फॉर्म करना है. ठीक है, तो गैंट चार्ट ही वही जरूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता. तो सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं. कैसे होगा, बहुत इजी है. सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस है P1, जो जीरो मतलब मिली सेकेंड है, सेकेंड है, जो भी टाइम है यूनिट टाइम पर आया है. ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आया है हमारे पास प्रोसेस P1, राइट. इसके बाद क्या हुआ, सीपीयू बर्स्ट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी डेफिनेशन बताई है, उसमें देख लीजिएगा. सीपीयू बर्स्ट है इसका 10. ठीक है, इट मींस कि ये 10 यूनिट टाइम तक या 10 सेकंड है, मिली सेकंड है, जो भी, मैं फिलहाल सेकंड लेकर चल रही हूँ. ठीक है, तो 10 सेकंड्स तक ये चलेगा, वैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एग्जीक्यूशन हो जाता है कम्प्लीट. ठीक है, तो 10 सेकंड्स तक ये एग्जीक्यूट हुआ, P1 का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो गया. ठीक है, 0 से 10 तक. उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बीच में यहाँ 1 आया होगा, 1 फर्स्ट सेकंड जब आई होगी, तो P2 भी आ चुका है इस वक्त. ठीक है, तो P2 आ चुका है फर्स्ट पर, और इसे कितनी देर के लिए चाहिए, 6 सेकंड्स के लिए चाहिए. तो P2 लिखा हमने यहाँ 6 सेकंड्स के लिए, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 6 सेकंड्स है. लेट्स से तो 10+6 यहाँ पर हो जाएगा 16. ठीक है, देखिए इसका दोनों का डिफरेंस 6 ही तो है, इट मीन्स की 6 तक चला, 6 सेकंड्स तक चला है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है P3. P3 हमने यहाँ लिखा, P3 का है सीपीयू बर्स्ट 4, तो 4 है, 16+4=20, तो ये आ गया हमारे पास 20. नेक्स्ट आता है हमारे पास P4 आ चुका है. इसके बाद इसका है बर्स्ट टाइम 2. ठीक है, तो 20+2 2, राइट, 20+2=22. ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारे पास P5 आ चुका है, इसका बर्स्ट टाइम है 5, तो इसमें हो जाएगा 22+5=27, और सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं. राइट, तो किस तरह से, एक बार फिर से देखिए इसे. सबसे पहले जो 0 सेकंड थी या मिली सेकंड जो भी है, तो P1 प्रोसेस आ चुका है, P1 आ गया. ठीक है, इसे सीपीयू बर्स्ट इसका 10, इट मींस कि ये 10 यूनिट टाइम तक ये एग्जीक्यूट होगा, इसे सीपीयू चाहिए 10 यूनिट टाइम तक के लिए. तो 0 से 10 तक आ चुका है P1. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ 1 है, P2 कब आया है, जब फर्स्ट जब सेकंड आई है 0 के बाद, यहाँ 1 आया होगा, 2 3 4 9 तक यहाँ पर टाइम चला होगा,
तो जैसे ही फर्स्ट आएगा यहाँ पी टू आ चुका होगा, लेकिन वो इससे खाली नहीं करा सकता क्योंकि ये एफ सी एफ एस है और ये नॉन प्री एम्प्टिव होता है। तो जब तक पी वन का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं होगा पी टू जगह नहीं ले सकता। तो पी टू आ चुका है फर्स्ट पर, अभी पी वन चल रहा है, लेकिन फिर पी थ्री आया होगा फोर पर, पी फोर भी आ चुका होगा और पी फाइव भी आ चुका होगा। सब प्रोसेसेस आ चुके होंगे यहाँ पर, लेकिन अभी पी वन से ये खाली नहीं करा सकते सीपीयू। तो पी वन का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट होगा 10 तक, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आया पी टू आया था, तो पी टू आ चुका, ये रहा पी टू। क्यों चाहिए था 6 यूनिट टाइम तक के लिए सीपीयू, तो पी टू 6 तक के लिए चला, 10 + 6 = 16। देन पी थ्री आया, पी थ्री आ चुका, इसे चाहिए था, इसका सीपीयू बर्स्ट 4, इट मीन्स कि सिर्फ 4 यूनिट टाइम तक के लिए सीपीयू चाहिए। तो 16 से स्टार्ट किया इसने, तो 4 प्लस करा, इट मीन्स कि 20 तक चलेगा। नेक्स्ट आता मेरे पास पी फोर आ चुका है, पी फोर को चाहिए 2 यूनिट टाइम तक के लिए सीपीयू, तो 20 पर आया है ये, और मतलब आ तो चुका पहले ही 4 पर, लेकिन इसे मिला 20 पर, तो 20 पर आया, प्लस 2 किया, 22 तक ये चला। इसके बाद आता है पी फाइव, पी फाइव को चाहिए था 5 यूनिट टाइम तक के लिए, तो 22 पर इसका स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन, 22 + 5 = 27, ठीक है। तो ये एफ सी एफ एस का इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने, जिस सीक्वेंस से प्रोसेसेस आए हैं उसी सीक्वेंस में हमने इन्हें यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए इसमें हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम था कि टोटल टाइम कितना स्पेंड कर रहा है कोई प्रोसेस सिस्टम के अंदर, ठीक है। पी वन ने कितना टाइम स्पेंड किया सिस्टम में, पी टू ने कितना किया, पी थ्री ने कितना, पी फोर ने और पी फाइव ने, ठीक है। अब यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि पी वन 0 सेकंड पर आया था और 10 सेकंड तक के लिए चला, या फिर 10 यूनिट टाइम तक के लिए, तो इसने कितना टाइम स्पेंड किया, 10, ठीक है, 0 से 10, 10। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर देखते हैं पी टू के लिए टर्न अराउंड टाइम, तो पी टू किस सेकंड कब आया था, पी टू आया था फर्स्ट पर, जब फर्स्ट सेकंड हुई थी, यहाँ वन जब हुआ था तब पी टू आ चुका था, और इसका कम्प्लीशन कब तक हुआ, 16th तक इसका कम्प्लीशन हुआ है। तो इसके लिए क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम 16 - 1 दैट इज 15, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर आया ये, इसका अराइवल टाइम हुआ फर्स्ट, जो फर्स्ट सेकंड जब हुई थी तब ये आ चुका था, उसके बाद 16th सेकंड तक ये चला, तो 1 से लेकर 16 तक टोटल कितना हुआ, 15 सेकंड ये टोटल सिस्टम के अंदर रहा। इसके बाद P3 प्रोसेस है, वो 4th सेकंड पर आ चुका था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद इसका जो कम्प्लीशन हुआ है वो 20th सेकंड पर हुआ है, तो 20 - 4 दैट इज 16 सेकंड तक के लिए ये सिस्टम में रहा, या 16 यूनिट टाइम, जो भी सेकंड है, मिली सेकंड, जो भी है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है P4 भी 4th सेकंड पर आ चुका था, लेकिन P4 का जो कम्प्लीशन है वो 22 पर हुआ है, 22 - 4 = 18, तो ये 18 सेकंड तक के लिए कंप्यूटर सिस्टम में रहा। नेक्स्ट इज P5 5th सेकंड पर आ चुका था, बट इसका जो कम्प्लीशन हुआ 27th सेकंड तक हुआ है, तो स्टार्ट यहां से किया इसने, कम्प्लीशन इसका यहां पर हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 27 - 5 = 22, ठीक है। ये तो हो गया इस तरह से। अगर आप फार्मूला बेस पे करना चाहते हैं, मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो और भी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। उसमें क्या करना है, सिंपल फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू कम्प्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट, ये फार्मूला होता है। तो टर्न अराउंड टाइम हम निकालते हैं पहले प्रोसेस वन के लिए, मैं यहां लिख देती हूँ प्रोसेस वन के लिए टर्न अराउंड टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू प्रोसेस वन का एग्जिट टाइम क्या है, प्रोसेस वन का कब एग्जिट हुआ है, 10 पर, तो यहां हमने लिखा 10 माइनस प्रोसेस वन आया कब था, 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 10 - 0 = 10, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस टू की बात करते हैं, तो प्रोसेस टू का कम्प्लीशन कब हुआ या एग्जिट कब हुआ है, 16th पर, और इसका एंट्री कब हुई थी इसकी, 1, 16 - 1 = 15। नेक्स्ट बात करते हैं P3 प्रोसेस के लिए, P3 कब एग्जिट हुआ है, 20 पर, माइनस P3 आया कब था, 4, ये कितना हो गया हमारे पास, 16। नेक्स्ट इज P4, सो P4 के लिए जो एग्जिट टाइम है वो है 22, और P4 की एंट्री हुई थी 4 पर, तो 22 - 4 = 18, राइट। तो ये हो गया P4 का। नेक्स्ट है P5, P5 की एग्जिट हुआ है 27 पर और एंट्री हुई थी P5 की 5 पर, तो 27 - 5 = 22। सो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से सबका टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया सभी प्रोसेसेस का, राइट। अब हम इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज निकालना इज एज सिंपल एज, हमें क्या करना पड़ता है,
टोटल टर्न अराउंड टाइम मतलब इन सब का टोटल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना है, 10 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 22, राइट, डिवाइडेड बाय कितने प्रोसेस है, टोटल 5 प्रोसेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 15 इज 25 प्लस 16 इज 41 प्लस 18 इज 59 एंड प्लस 22 इज 81। ठीक है, सो इसका जो टोटल आया है वो आया 81 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 16.2। ठीक है, जैसे मैं एमएस इसकी हम मान लेते हैं यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या था कि टोटल टाइम कितना स्पेंड कर रहा है कोई प्रोसेस सीपीयू में। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहां देखा था कि जब वो आया है और जब कोई प्रोसेस आता है और जब तक उसका कंप्लीशन होता है उसके बीच में जो भी टाइम होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम, राइट। नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। तो पहले वेटिंग टाइम हम ओरली समझ लेते हैं कैसे होता है। तो यहां देखिए, सबसे पहले P1 प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम चेक करते हैं। ठीक है, जीरो पर आया था और 10 मिलीसेकंड तक ये चला, तो जीरो पर आया और 10 मिलीसेकंड तक ये एग्जीक्यूट हुआ, तो इसे कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये जीरो पर ही आया था, जीरो पर इसे सीपीयू मिला यहां पर, और इसका जो बर्स्ट टाइम था वो 10 तक चला ये, लेकिन यहां पर कुछ भी इसे वेट नहीं करना पड़ा, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो वेटिंग टाइम है वो हो गया जीरो, राइट। और अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूला क्या होता है वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम या फिर सीपीयू बर्स्ट। तो यहां पर हमारे पास टर्न अराउंड टाइम क्या है, 10 है P1 प्रोसेस के लिए, इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 10 माइनस 10 इज 0। ठीक है, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस P2 के लिए देखते हैं। P2 आया था, कब आया था, 1 पर आया था, इसका बर्स्ट टाइम था 6 और इसका एग्जीक्यूशन हुआ है टोटल 16 पर। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या हुआ है कि P2 को जो मिला है सीपीयू वो 10 मिलीसेकंड पर मिला है और 16 तक उसका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लेकिन P2 जो आ चुका था वो 1 मिलीसेकंड पर ही आ चुका था। ठीक, तो 1 मिलीसेकंड पर आया, 1 से 10 तक उसे वेट करना पड़ा, उसके बाद उसे सीपीयू मिला है, तो 1 से 10 तक का जो टाइम उसे वेट करना पड़ा है, तो कितना टाइम वेट करना पड़ा उसे, 9 मिलीसेकंड उसे वेट करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास P3 के लिए देखते हैं। P3 यहां पर 16 मिलीसेकंड पर उसे एलोकेट हो चुका सीपीयू और 20 तक वो चला। ठीक है, लेकिन P3 आया कब था, 4 पर ही आ चुका था, 4 मिलीसेकंड पर आ चुका था, इट मींस कि 4 से लेकर 16 तक उसे वेट करना पड़ा, उसके बाद उसे सीपीयू मिला। ठीक है, तो उसे टोटल कितना वेट करना पड़ा, 4 से स्टार्ट किया वेट करना और 16 तक उसे वेट करना पड़ा। ठीक है, तो 16 माइनस 4 इज 12 मिलीसेकंड उसे वेट करना पड़ा। जब एलोकेट हो जाएगा उसे हम वेटिंग नहीं बोलते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास P4 भी 4th मिलीसेकंड पर आ चुका था और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी 20 से हुई थी, सर कंप्लीट हुआ था 22 तक, तो P4 को 20 मिलीसेकंड पर सीपीयू मिला है, लेकिन वो आया था 4th मिलीसेकंड पर। ठीक है, तो यहां पर 20 माइनस 4 कितना हुआ, 16 मिलीसेकंड उसे वेट करना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं P5 की। तो P5 हमारा यहाँ आ चुका था 5 मिलीसेकंड पर, P5 आ चुका था, कहीं यहाँ पर रहा होगा वो टाइम। ठीक है, लेकिन उसे 22 मिलीसेकंड जब उसे जाकर सीपीयू एलोकेट हुआ, तो 5 से उसने स्टार्ट किया, चलता रहा, मतलब चला नहीं अभी, 5 से 22 तक उसे वेट करना पड़ा, उसके बाद 22 मिलीसेकंड पर जाकर उसे सीपीयू एलोकेट हुआ, इट मींस कि 22 माइनस 5 उसे 17 मिलीसेकंड वेट करना पड़ा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से वेटिंग टाइम देखते हैं, राइट। अब हम इसे अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो और ज्यादा सिंपल हो जाता है, हम फॉर्मूला सिंपल लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी प्रोसेस है हमारे पास P1 से लेकर P5 तक, सबके लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर P1 इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम, द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 10, राइट। यहाँ पर हमने टर्न अराउंड टाइम अभी कैलकुलेट किया था, तो 10 था, 10 लिखा हमने यहाँ, माइनस सीपीयू बर्स्ट, P1 के लिए सीपीयू बर्स्ट भी क्या है, 10 है, सो 10 माइनस 10 इज 0, राइट। नेक्स्ट फॉर P2 टर्न अराउंड टाइम इज 15,
यहाँ हम लिख लेंगे पी टू के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना है 15 है, माइनस पी टू के लिए सीपीयू बर्स्ट कितना है 6, सो यहाँ हम लिख देंगे इसे 15 माइनस 6 इज 9, ठीक है। नेक्स्ट आता है पी थ्री के लिए जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 16, ये रहा, हम लिख देंगे P3 इज इक्वल्स टू 16 माइनस सीपीयू बर्स्ट कितना है P3 के लिए सीपीयू बर्स्ट है ये 4, ठीक है, तो 16 माइनस 4 करेंगे तो ये आ गया 12। नेक्स्ट फॉर P4 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 18, राइट, एंड P4 के लिए जो सीपीयू बर्स्ट है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2 दैट इज 16, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास P5। P5 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 22, हम लिख लेते हैं P5 इज इक्वल्स टू 22 माइनस सीपीयू बर्स्ट इसका कितना है 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 एंड इट इज इक्वल्स टू 17, राइट। सो ये आ चुका है वेटिंग टाइम P1, P2, P3, P4 एंड P5 का, सबका वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम, सबका हमें कैलकुलेट करना है, तो जैसे हमने टर्न अराउंड टाइम का कैलकुलेट किया था इस तरह से हम इसका भी करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल वेटिंग टाइम एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये होता है एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ में लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम पहले कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम कितना है इन सब का सम, ठीक है। सो 0 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 16 एंड प्लस 17 डिवाइड बाय टोटल प्रोसेस कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, हमने देखा था हमारे पास कितने प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं टोटल, हम इनका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5। 0 प्लस 9 9 हुआ ये, और प्लस इस नंबर 12 के 21 प्लस 16 37 प्लस 17 54, ठीक है। तो इसका सम कितना आ चुका है 54 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ चुका है हमारा 10.8 और ये हमने लिया मिली सेकंड, ठीक है, ये यूनिट ले ली। तो इस तरह से हमारा एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट हो चुका है, हमने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया था इससे पहले और अब हमने कर दिया वेटिंग टाइम, और हमें यही करना था। अब लास्ट में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें यह क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ये जो प्रोसेस है इसी सीक्वेंस में लिखे हुए मिलेंगे, सेम क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे P1 और ऐसा हो सकता है, इसके बाद P2 प्रोसेस के लिए लिखा हो, यहाँ पर P3 लिखा हुआ मिल जाए, यहाँ P4 और P5, ठीक है, कुछ इस तरह से भी सेम क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। P1 के लिए क्या है 0 10, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 and 10, एंड P2 के लिए 1 6, P4 4 2, P5 5 5 एंड P3 is 4 4, राइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये अराइवल टाइम एंड ये बर्थ टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, आप यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि हमें P3 से स्टार्ट करना है, हमें सबसे जो कम अराइवल टाइम है पहले वो चेक करना है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि पहले P3 आया है तो P3 ले देंगे, नहीं, टाइम यहाँ से पता चलता है, यहाँ जो डिजिट्स लिखी हुई हैं, जैसे 0 है यहाँ पर, तो 0 पर कौन आया P1, तो सबसे पहले हम P1 लेंगे, देन यहाँ हम चेक करेंगे 0 के बाद फिर 1, यहाँ पर P2 आया, देन P2 लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर P3 P4 का सेम है तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर P5, यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी पर जिसमें प्रायोरिटी का नहीं है तो हम यहाँ पर जो भी है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और देन लास्ट में P5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जरूरी आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया था P1 P2 P3 P4 एंड P5 सेम ही सीक्वेंस में हमें लिखना है, हमें यहाँ अराइवल टाइम चेक करना होता है तब जाकर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।